तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल ऑल अबाउट इको में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि अभी सीसीटीवी लाइन में सीपी प्लस का जितना भी डीवीआर इंस्टॉल हो रहा है, न्यू डीवीआर, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है जो कि हम मतलब वाईफाई अडेप्टर लेके आते हैं सीपी प्लस के डीवीआर को ऑनलाइन करने के लिए। और जैसे ही हम वाईफाई अडेप्टर से ऑनलाइन करते हैं तो पता चलता है कि ये वाईफाई अडेप्टर इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें टेक्नीशियन जो रहते हैं उन्हें तो पहली बात तो फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा, और जिसके नॉलेज में नहीं है उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है कि इसका फर्मवेयर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और कैसे अपग्रेड होगा। तो अभी जिनके नॉलेज में है वो तो चलो ठीक है, वो इसको अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि न्यू टेक्नीशियन अभी बने हैं और उनको ये नहीं पता है कि वाईफाई अडेप्टर इसमें क्यों नहीं काम कर रहा है। तो उसके लिए हम बता दें कि इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसमें वाईफाई अडेप्टर के लिए एक स्पेशल फर्मवेयर इसमें अपग्रेड करना पड़ता है। तो उसी फर्मवेयर के बारे में आज हम बताने वाले हैं कि किस तरह से फर्मवेयर इसमें अपग्रेड होगा और कहाँ पे मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक साइट पर आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से मतलब वाईफाई अडेप्टर के साथ इसको फर्मवेयर अपग्रेड करते हैं। तो साइट पे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए साइट पर आ चुके हैं और ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं, और इसमें ये 8 चैनल का डीवीआर है जिसमें हम फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे इसमें। और इसमें पहले आपको दिखा देते हैं, वाईफाई अडेप्टर हमने पहले ही लगा चुके हैं और इसको इनेबल करके हम आपको दिखाते हैं। इसमें देख सकते हैं एक भी वाईफाई मतलब डिवाइस इसमें शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अडेप्टर लगाने के बाद यहाँ वाईफाई डिवाइस हमें शो करना चाहिए था, कोई भी डिवाइस यहाँ शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर भी दिखा देते हैं कि कौन से मॉडल नंबर में ये आपको दिक्कत आएगा। तो ये देख सकते हैं CV4 का जितना भी आज का मतलब DVR आ रहा है, CV4, CV5, उसमें वाईफाई अडेप्टर अभी सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए हमें फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ता है। तो इस तरह से ये मॉडल नंबर हो गया। अब दिखा देते हैं आपको कि हम कौन सा वाईफाई अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने DigiSol का वाईफाई अडेप्टर इसमें लगा रखा है जो कि ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे किस तरह से फर्मवेयर हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करके हम इसको अपग्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद एक नंबर पे हमें व्हाट्सएप सपोर्ट को मतलब मॉडल नंबर का स्क्रीनशॉट हमें भेजना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें सपोर्ट हमें उसका लिंक प्रोवाइड करेगा जहाँ से हमें फर्मवेयर मिलेगा। तो कौन से नंबर पे व्हाट्सएप करना है तो एक बार हम दिखा देते हैं। सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र हम ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको कौन से नंबर पे हमने व्हाट्सएप किया था, और व्हाट्सएप हमने पहले ही मतलब सेंड कर दिया था, और किस तरह से होता है आपको पूरा हम प्रोसेस आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना व्हाट्सएप लॉगिन कर लेते हैं और दिखाते हैं कौन से नंबर पे हमने डिटेल भेजी थी और रिप्लाई में हमें क्या लिंक मिला है। तो देखिए हमारे व्हाट्सएप लॉगिन हो चुका है और यही नंबर है, हमने कुछ अजीत कुमार के नाम से सेव कर रखा है। और देखिए ये पहले हमने मॉडल नंबर का स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे शेयर किया था, जो कि आपको कुछ लोकेशन वगैरह कुछ ऐसा डिटेल पूछेंगे, जो जो डिटेल पूछेंगे आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो इसका हम दिखा देते हैं कौन सा नंबर है ये आपको, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। देखिए ये आपको नंबर शो कर रहा है, इसी नंबर पे हमें एक व्हाट्सएप करना है जो कि DVR का मॉडल नंबर सेंड करके, और कुछ आपका एड्रेस वगैरह का डिटेल पूछेगा कि कौन से लोकेशन से आप बात कर रहे हैं,
तो हमने देख कंपनी का नाम और लोकेशन यहाँ पे देखिए सेंड किए हैं। देखिए मॉडल नंबर हो चुका है CB4 करके, ये हमारा DVR का मॉडल नंबर है। और यहाँ पे आप पूछ रहा है कि क्या लोकेशन, कौन से लोकेशन से आप बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम, तो हमने फाइन सिक्योरिटी डाल दिए। और ये देखिए रिप्लाई में एक लिंक भेजा है, जिसको हम ओपन करेंगे तो हमारा वो फर्मवेयर, हमारा डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो देखिए फर्मवेयर, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसको पेन ड्राइव में कॉपी करके और पूरा कोई भी पेन ड्राइव हो जिसको पहले से फॉर्मेट कर लेने करने के बाद इसमें कॉपी कर लीजिएगा। तो यही हमारा फर्मवेयर है, इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं और DVR में लगा के आपको फर्मवेयर कैसे अपग्रेड होता है वो दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब हम DVR में लगा देते हैं पेन ड्राइव। और किस तरह से करना है, पहले सबसे पहले मेन मेन्यू को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वाईफाई में जाएंगे या नेटवर्क में जाएंगे। वाईफाई में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अभी भी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने अभी फर्मवेयर वाला पेन ड्राइव लगा चुके हैं। और यहाँ पे देखिए फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे हम चूज कर लेंगे कहाँ पे मेरा फर्मवेयर है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए वायरलेस करके फर्मवेयर है, इसको हम ओके करेंगे तो सक्सेसफुली देखिए इंस्टॉल हो चुका है मेरा। कुछ करना नहीं होता है, इसको ओके करेंगे तो मेरा फर्मवेयर अपग्रेड हो चुका है। अब देखिए हम इसको निकालेंगे पेन ड्राइव। तो ये DigiSol का देखिए मेरा वाईफाई अडेप्टर है, जो कि हमें DVR में लगाना है और चेक करना है कि मेरा फर्मवेयर अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम DVR में लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पेन ड्राइव हम निकाल लेंगे, क्योंकि मेरा फर्मवेयर अपग्रेड हो चुका है। हम वाईफाई अडेप्टर इसमें लगाएंगे और चेक करेंगे कि मेरा पूरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हो चुका, वो चेक करेंगे हम। तो देखिए यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, वाईफाई अडेप्टर लगाने के बाद देखिए रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारा दो डिवाइस यहाँ पे शो करने लगा है, जो कि पहले नहीं कर रहा था। तो मेरा जो भी वाईफाई है उसको हम वाईफाई सेलेक्ट करके इसमें पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड पहले इंटर कर लेते हैं इसमें। अपग्रेड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, जैसे ही आप पेन ड्राइव उसमें लगाइएगा, वाईफाई में जाना है, वाईफाई के नीचे आपको फर्मवेयर अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद अपना डायरेक्ट ही इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपका वाईफाई का डिवाइस शो करने लगा, जिसमें पासवर्ड डाल के आप DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए इस पर वाईफाई का पासवर्ड डाल दिए हैं, देन यहाँ से हम कनेक्ट का ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए अभी ऊपर में डिसकनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट होते ही वहाँ पे कनेक्टेड शो करने लगा। देखिए अब ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में भी वाईफाई का सिंबल आ चुका है, इसका मतलब कि हमारा DVR ऑनलाइन हो चुका है और पूरी तरह से फर्मवेयर अपग्रेड हो चुका है। ये देखिए नेटवर्क में जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा DVR ऑनलाइन हुआ या नहीं हुआ है।
वाईफाई में जाने के बाद देखिए दो हमारा डिवाइस शो कर रहा है। इंस्टॉल क्लाउड में जाएंगे तो देख सकते हैं हमारा DVR ऑनलाइन हो चुका है। तो इस तरह से एक नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इसका लिंक के जरिए आप फर्मवेयर मंगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फर्मवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।